स्वागत है आप सभी का मेरा नया सा व्लॉग में। फिलहाल तो मैं अपने गांव में हूँ। आज अचानक से ख्याल आया कि आपको मैं दिखा दूँ कि मैं मेरे गांव में क्या करती हूँ और कैसे रहती हूँ। अगर आप कहीं बाहर रहते हो सिटी में तो वहाँ का लाइफ कुछ अलग ही होता है, लेकिन जब आप गांव आते हो तो गांव का लाइफ तो बहुत ही अलग होता है। गांव में जो आपको हवा मिलती है, जो आपको खूबसूरती मिलती है, वो कोई शहर पे नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इसका भी कारण है, गांव में कोई पॉल्यूशन नहीं होता, अगर होता तो भी बहुत ही कम होता है। और यहां का जो खूबसूरती है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे नेचर ज्यादा होता है, यहाँ पे धूल मिट्टी ये सब बहुत ही कम होता है। मुझे तो अपने गांव से बहुत ही ज्यादा प्यार है। जब मैं जाती हूँ तो मैं अपने गांव में एक दिन तो जरूर रुकती हूँ। मैंने आज सोचा कि आपको भी ले चलूँ कि मेरे गांव में मैं एक दिन में क्या क्या करती हूँ। सबसे पहले देखो, मैं यहाँ सुबह उठ के नहाने जा रही थी। भले ही हम शहर में रहते हो, लेकिन ये गांव हमारा एक रूट्स है जिससे हम बंधे हुए, तो कभी हमें इसे नहीं भूलना चाहिए और एक बार तो अपने गांव का विजिट करना चाहिए। ये मेरी दीदी है, आप लोग ने तो इसको देखा ही होगा मेरे व्लॉग्स पर। और हाँ, आपको बताना भूल गई, मैं अपनी बड़ी मम्मी के घर आई हुई थी आसाम। वैसे तो यहाँ पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ दिनों से मोटर खराब होने के कारण थोड़ी दिक्कत करनी पड़ रही थी। और ये रहा हमारा वॉशरूम, हम लोग ऐसे ही एडजस्ट करते हैं। आप देखो, जो है सो है, आपको मैं कुछ फेक नहीं दिखा रही, जो जो है जैसा है आपको मैं वही दिखा रही थी। पता है आपको गाँव में सबसे बेस्ट चीज क्या है? यहाँ पे ना लोग सब्जी ज्यादा खरीदने के बजाय अपने घर पे ही सब्जी उगाते और उसी को खाते, वो जो बहुत ही ज्यादा नेचुरल होता है, खाने में भी बहुत ही ज्यादा हेल्दी रहता है। और देखो, यहाँ मैं बात करते करते नहा के भी आ गई थी। मैंने छत से नहा लिया था एंड अभी मैं जाने वाली हूँ अपना कपड़ा सुखाने के लिए। मैं कुछ दिन पहले ही मुंबई से आई थी, तो मैं आके अपना घर गई, पहले घर पे कुछ दिन बैठी, उसके बाद मैं गई थी अपना गांव। यहाँ देखो, मेरी दीदी आपको थोड़ा नाटक करके दिखा रही थी, क्योंकि उसको पता है कि मेरा वीडियो चालू है। पता है आपको, जब हम लोग छोटे थे ना, तो मेरी मम्मी और पापा हमेशा हमें लेकर गांव आते थे। मतलब 3 महीने में एक बार तो हम लोग गांव विजिट करते ही थे। ऐसा होने से ना हम लोग अपने रूट से भी जुड़े रहते, और साथ ही साथ मेरी मम्मी का तो घर ही है वहाँ पे, मम्मी के भाई बहन सब लोग वहाँ पे रहते, तो मम्मी को भी बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ जाना, तो इसीलिए हम लोग चले जाते थे। आज मैंने बहुत ही रैंडमली अपना व्लॉग स्टार्ट किया, मुझे पता ही नहीं था कि आज घर की साफ सफाई होने वाली थी। ये जो आप देख रहे हैं ना, मेरे हैंडसम बड़े पापा, आपको पता है ये जितने अभी हैंडसम है ना, अपने जवानी के टाइम में तो और भी बड़े हीरो थे। मतलब क्या बताऊं आपको, तो अभी देख के ही समझ में आ गया होगा। सोचा था आपको छोटा सा होम टूर दूंगी, लेकिन देखो घर की सफाई भी आज ही होनी थी। और अगर आप सोच रहे हो कि ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं, शायद आपको पता होगा कि गांव पे गाय बकरी वगैरह पालते हैं, तो यही बकरी के लिए घर बनाया गया, ताकि वो लोग आराम से दे सके, पानी वगैरह आए तो वो लोग को प्रॉब्लम ना हो। इस बार गांव पे वोटिंग थी, तो वोटिंग के कारण बहुत ही लोग आए हुए थे। इसमें क्या होता है ना, हम लोग दूर दूर के रिलेटिव्स कजिन्स भी एक साथ मिल जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा बेस्ट पार्ट होता है। और इनसे मिलिए, ये है मेरी बड़ी मम्मी, मेरी मम्मी की दीदी। अगर मेरी मम्मी के बाद कोई है जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है, जिसको मैं बहुत प्यार करती है, तो वो है मेरी बड़ी मम्मी। इनसे ना मैं बचपन से ही बहुत ही लगाव में थी और आज भी हूँ। सुबह तो हम लोगों ने बस चाय पिया था, इसीलिए मेरी बड़ी मम्मी बना रही थी आज का लंच। वैसे गाँव में ना लोग गैस बहुत ज्यादा कम यूज करते, क्योंकि वो लोग आग में ही बनाना प्रेफर करते है। आग में ना, वैसे मुझे एक चीज नोटिस किया था मैंने, खाना कुछ अलग ही बनता है और उसमें टेस्ट भी काफी ज्यादा अच्छा आता है। तो इस बार गांव पे मेरी मम्मी नहीं आ पाई थी, इसीलिए मैं और मेरी मामी हम दोनों गांव पे आए थे। तो बाहर बैठ के हम लोग ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, कैसा है क्या है। इस बार मैं गांव बहुत कम दिनों के लिए आई थी, तो मैंने सोचा चलो सबके घर जाती हूँ। वैसे भी मैं जब भी गाँव आती हूँ ना, जितने भी जान पहचान है मैं उनको मिल के ही जाती हूँ। बताया था ना, मेरा गांव बहुत ही ज्यादा सुंदर है। देखो यहाँ, आपको शायद ये देख के पता चल ही गया होगा, बट ना आजकल हमारा गांव बहुत ही ज्यादा खाली खाली और सुनसान सा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो गांव में रहते थे अब वो बाहर चले गए काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो अभी बहुत कमी लोग रहते हैं गांव पे भी। तो चलो आपको मैं दिखाती हूँ हमारा पुश्तैनी घर, जिसमें हमारा नाना और नानी जी रहा करते थे।
हमारे नाना जी और नानी जी के बाद ये घर पे मामा जी रहते हैं, तो हम उनसे ही मिलने गए थे, क्योंकि मैं जब भी गांव जाती हूँ उनको बिना मिले मैं कभी नहीं आती। फिर लौट के मैं घर आ गई थी, एंड घर आके देखो हम लोग चाय पी रहे थे, चाय के साथ चाय पे चर्चा हो रही थी यहाँ पे एक्चुअली। जब इतने दिन के बाद सारे लोग मिलते हैं ना, तो वो खुशी कुछ अलग ही होती है। हम लोग के साथ में बात करने के लिए इतना कुछ होता है कि बात करते करते बात ही ख़त्म नहीं होता। तो ऐसे हम लोग चाय पे चर्चा करते करते हम लोगों ने अपना चाय भी ख़त्म कर लिया, एंड यहाँ पे देखो ये छोटी बच्ची है उसको भी हम लोग पिला रहे थोड़ा सा चाय, क्योंकि वो ना बहुत ही ज़्यादा चाय पसंद करती है, मुझे ऐसा लग रहा था देख कर। अब बस कुछ दिन की ही बात है, गांव से जाने के बाद मैं घर पे बस कुछ दिन ही रुकने वाली हूँ, उसके बाद तो मैं चली जाऊंगी बाहर। तो सोचा जब गांव में हूँ तो गांव की ताज़ी हवा खा लूँ, सबके साथ मस्ती मजाक कर लूँ, क्योंकि ये दिन दोबारा कभी नहीं आएंगे। और हाँ, जब आप अपने फैमिली के साथ होते हो, अपने कजिन्स के साथ होते हो, तो वो इंजॉयमेंट कुछ अलग ही है। यहाँ पे देखो ये ना मेरे बातों में तो मैं आपको पूछना भूल ही गई, प्लीज कमेंट करके बताना आप मेरी इस वीडियो कौन से जगह से देख रही हो, आप शहर पे हो या गांव पे हो, आप कहां से देख रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना। तो रात को अच्छे से पेट पूजा करके हम चले सोने के लिए। तो आपको मैंने इन दोनों को साथ में नहीं दिखाया था, मेरे बड़े मम्मी और बड़े पापा जो कि अभी थक के दिन भर काम करके अभी सोने के लिए बिल्कुल तैयार है और देख रहे हैं साइड में टीवी, और हम लोग देखो और हमें देखो यहाँ, हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कौन कहाँ पे सोएगा। यहाँ देखो कोई अपना बिस्तर बना रहा है, तो कोई यहाँ पे अपना पिलो ढूंढ रहा है, कोई यहाँ पे बातें कर रहा है, तो ऐसे ही करते करते हम लोग चले सोने के लिए। तो ऐसे ही गया आज का मेरा दिन, और यूजुअली गांव में ऐसा ही जाता है, या तो कभी कभी हम लोग घूमने चले जाते हैं। अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्यारा सा गांव का व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आप रिलेट कर पा रहे हो इस व्लॉग को तो दूसरों को भी शेयर करना ताकि वो लोग भी देख सके। और यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग, मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग तक, तब तक अपना ख्याल रखना और सही सलामत रहना। बाय बाय।